फ्रेम्स निकाल लेते हैं। लास्ट नाइट है भाई, बताओ सुबह मैं चला जाऊंगा। सही बात है यार। कि तुम्हें भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, देखो। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। अभी से स्नान के आया हुआ हूँ भाई, एंड रूम की हालत देख रहे हो, अभी तक पूरी पैकिंग नहीं हुई है। पैक करता हूँ सबसे पहले तो ये पूरा सामान, देन उसके बाद कुछ पैक हो गया ऑलरेडी, वैसे थोड़ा बहुत और बचा उसको और पैक करता हूँ, और इसको डालता हूँ भाई आज सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में। और घर आज जा रहा हूँ या कल जाऊँगा वो तो मैं आगे पता लगेगा, क्योंकि अभी मेरे को खुद को नहीं पता है। बड़ी प्यार से सजाया हुआ था भाई मैंने ये बैकग्राउंड, वो भी इसी साल सजाया हुआ था कि भाई वीडियो में अच्छा लगेगा, सब उतारना पड़ेगा। बुक तो मैंने ऑलरेडी हटा ली थी, ये फ्रेम्स वगैरह भी हटा देता हूँ, बाकी ये सोच रहा हूँ लाइटिंग वगैरह लगी छोड़ देता हूँ यहीं पे, क्या ही करूँगा भाई, वहाँ ले जाके जहाँ भी जाऊँगा वहाँ नया सेटअप बनाएंगे। ये प्लांट्स मैं लेके आया था भाई दिल्ली से, ये नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, ये लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन बड़े महंगे मिल रहे थे, इसलिए ही मैं दिल्ली से लेके आया हुआ था जब मुझे दिख गए थे मार्केट में। ये मेटल निकाल लेते हैं, फ्रेम्स निकाल लेते हैं। हाँ कि इतना लगा छोड़ दे रहा हूँ मैं, ये जूनियर्स को अलॉट हुए ये रूम्स, तो उनमें से जो भी बंदा आएगा बस क्लियर कर। शाम हो गई है, मुझे लग रहा था ये पैकिंग करना सिर्फ 2 या 3 घंटे का काम है या एक दिन में हो जाएगी, भाई नहीं हो पाई एक दिन में, ऑलमोस्ट 3 दिन लग गए और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब तीसरा दिन कल तक ये चलेगी, कल से मैंने स्टार्ट की थी आज और ये कल तक चलेगी। अभी भाई मैं सुबह नहा चुका था एक बार, अगेन फिर से जा रहा हूँ क्योंकि पूरा गंदा हो गया हूँ, उसके बाद से जाऊँगा बाहर लंच करने, लंच और डिनर एक साथ होगा आज, मतलब कुछ खाया ही नहीं यार सुबह से पैक कर रहा था। शाम हो गई है तो मेरे रूम की कंडीशन दिखी रही होगी, अभी पूरा बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है, ये वाला सामान पैक करना बस रह गया है, इन कार्टन को टेपिंग करनी है, पैक करना मतलब प्रॉपर, ये कुछ पैक हो गए, ये खुला पड़ा है इसको भी पैक करना है, बाकी कुछ नहीं है। टोटल अब कितने पैकेजेस बनने वाले हैं वो तुम्हें आगे पता लगेगा, क्योंकि बने तो बहुत ज़्यादा हैं अभी, और अभी भी बाकी सामान बचा हुआ है। नहा के आता हूँ फिर चलते हैं हम बाहर। के फ्रेश में हो गया हूँ, बाकी कपड़े मेरे पास बचे नहीं है, सब पैक कर दिए मैंने, सिर्फ एक जोड़ी मेरे पास से लोअर पड़ा हुआ है, टी शर्ट पड़ी हुई है और एक ये, सब पैक कर दिया मैंने, मतलब ये रखे हुए हैं बट ये पहनने वाले नहीं है, पुराने कपड़े तो जो कल पहने हुए थे यही पहन रहा हूँ, और 2 दिन से भी वही लोअर टी शर्ट पर घूम रहा हूँ। शूज़ पहनता हूँ जल्दी से चलते, भगवान जी की पूजा भी कर ली मैंने कहा भाई कल तो मोस्ट प्रोबेबली निकल ही जाऊँगा, तो मैंने कहा लास्ट टाइम पूजा कर लेता हूँ, एंड भगवान जी को मैं साथ में लेके जाऊँगा तो वो तो बैग में आएंगे मेरे साथ में। भाई खाना नहीं खाया ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। चाबी यहाँ से उठाई मैंने बाइक की, ठीक है पॉकेट में रख ली, उसके बाद शूज़ पहने और फिर ढूंढ रहा हूँ चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, जेब में हाथ डाल के भी देख लिया मिली नहीं रही है, दिमाग नहीं चल रहा है ना, खाना नहीं खाया है तो मिल गई है, पॉकेट में ही रखी थी। चलते हैं हम नीचे। सही बात है यार, भाई पहले मिलता ना तो कितनी बार आ चुके होते भाई, देखो पूरा कैंपस खाली पड़ा हुआ है, गिने चुने लोग बैठे हुए हैं, राम सर, मिस्टर अनुराग, बाकी से सब खाली पड़ा है, गार्ड भैया भी सोच रहे होंगे बच्चे ही नहीं है। नमस्कार भैया, बहुत बुरा लग रहा है भाई, रहा नहीं जा रहा, मेरा तो मन था कि भाई 4-5 को जाऊंगा बट मैं चला गया, अब देखो मस्त घूमा जा रहा है ना, वो नहीं रोकेंगे कहीं भी पहुंच जाए, वो नहीं रोकेंगे। अरे इनकी गाड़ी में दिल्ली में ना हो। हाँ भाई ये हरकत है, तुम NLUD में मत करना पहुंच के, वहाँ भगा देंगे नहीं तो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट देंगे तुम्हें हाथ में, पैसे भी नहीं देंगे फी वाले, वहाँ मत दिखाना अनुराग ऐसी हरकत है,
भाई भाई मैं सोच रहा हूँ कैसे गलती से आ गई। हाँ जी दोस्तों रिटर्न आ गए, बाकी एक फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, सबको बाय बाय कर रहे हैं सबके साथ भाई, कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम है यार, फिर इसके बाद तो मिलेंगे नहीं ना, तो आंचल के साथ गया हुआ था। अभी प्लान तो हमारा गौरीघाट जाने का था क्योंकि जबलपुर में कुछ है भी नहीं उसके अलावा, बट फिर हम सडनली कैफे चले गए थे क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था किसी ऐसे रेस्टोरेंट चल जाऊँ जो राजस्थानी वगैरह होते हैं ना, थोड़े से दाल बाटी मस्त पेट भर के खाता, बट उसे भूख नहीं थी तो हम लोग कैफे चले गए। वहाँ से अभी रिटर्न आया हूँ, सोच रहा हूँ मैं सामान वामान पैक कर लूँ। तो मैं भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, देखो क्या हो सकता है इसके अंदर। हवाना वायलिन भाई, ये मैंने कोविड के टाइम पे ख़रीदा हुआ था, सीखने की कोशिश भी की थी, सीखा भी था, बेसिक्स वगैरह सीख गया था, बट फिर जो है कोविड ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ गया तो भूल गया। और ये मैं लेके आया हुआ था फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में, ऐसे फोर्थ ईयर के समथिंग लाया था, मतलब ये साल भर से बेड के नीचे रखा था और ये सिर्फ रखा ही था भाई, मैंने इसको ओपन तक करके नहीं देखा। मैंने भाई ओपन अभी किया है इसे, अभी जस्ट तुरंत। रुको एक मिनट, बट यार एक बार शायद तक निकाला था यार, बीच में एक बार निकाला था क्योंकि व्लॉग में ही दिखाया था मैंने, तो एक बार निकाला होगा ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों अभी का अपडेट ये है कि भाई पैकिंग पूरी हो गई है, पीछे तो मैं दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने लाइट बंद कर दी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह दिखा दूंगा। बाकी यार कितना मस्त लग रहा है भाई रूम, लास्ट नाइट है भाई बताओ, सुबह मैं चला जाऊँगा। एंड ये मैंने लाइट नहीं निकाली भाई, लगे रहने तो जो भी बंदा आएगा उसका सही लगेगा। कौन करके सो रहा हूँ मस्त, थोड़ी देर बाद ऑफ। बाकी अभी इस ब्लॉग को भाई यहीं पर एंड कर रहा हूँ, सो थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं आपको सुबह एंड कल चले जाएंगे हम हॉस्टल से, बड़ा बुरा लग रहा है। चलो बाय।